ओके तो जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एफआरएम लेवल वन में हम लोग किस तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग का देखेंगे तो अगस्त खत्म हो गया, अपने पास में लगभग 2.5 महीने का समय है। अपने पास में है आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का आधा, तो लगभग 70 डेज में अगर आप देखेंगे तो अगर कोई बच्चा फ्रेश स्टार्ट करे तो भी वो एफआरएम लेवल वन का जो एग्जाम है वो एकदम अच्छे से क्लियर कर सकता है। तो सबसे पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि एफआरएम में आप देखेंगे ना क्वांट का बहुत ज्यादा रोल है, तो क्वांट स्पेसिफिक है एफआरएम बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो आपको स्ट्रेस देना है टॉपिक में वो है क्वांट्स पे। ठीक है, क्योंकि अगर आपका क्वांट्स अच्छा होगा ना तो आपको एफएमपी और जो हमारा जो फोर्थ बुक है बेसिकली वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स, उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगा और लेवल टू में भी आपको बहुत हेल्प होगा। इसीलिए हम लोग का जो एफआरएम का जो क्लास है आप देखेंगे उसमें क्वांट्स जो है जो शिवांगी मैम करा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसमें आएगा 20% ही, मतलब आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इन लेवल वन 20 क्वेश्चंस आएंगे, बट वो अगर आप अच्छे से कर लेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आएगा। जब भी आप देखेंगे ना एफआरएम में टोटल में लेवल वन में लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको प्रैक्टिकल दिखेगा, बाकी सब आपको थ्योरी थ्योरी टाइप का लगेगा। थ्योरी इन द सेंस मतलब एप्लीकेशन बेस्ड होगा, नंबर्स उतने नहीं होंगे, राइट? जो सम टाइप का जो रहता है वो 30 क्वेश्चन ही आते हैं, 30 30 30 32 अराउंड आते हैं। ठीक है, बट आप जब वो प्रैक्टिकल करोगे ना, लाइक 3 4 थ्योरी क्वेश्चन के बाद जब आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो दैट गिव्स यू द बूस्ट कि हाँ भाई आपका सही हो रहा। वैसे भी आप देखेंगे तो क्वांट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने एकदम पूरा स्क्रैच से कराया है। एंड हमारे पास में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप देखेंगे बेसिक मैथ्स का भी वीडियो है और बेसिक स्टैट्स का भी वीडियो है, तो क्वांट्स बहुत अच्छे से करना है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, कैलकुलेटर चलाना सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो जितना भी हर दिन आप कर रहे हो ना कैलकुलेटर का यूज उसमें आना चाहिए। मैंने हर दिन एक अपने को शेड्यूल बनाना है कि अपने को प्रैक्टिकल तो एकदम अच्छे से करना ही करना है। लाइक आपके पास में हमारा एलएमएस है, एलएमएस में लगभग 3,500 क्वेश्चंस हमने डाले हैं जो वैरिड सोर्सेस से हमने डाले हैं, आपको वो सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अब वो क्या है ना, मिक्स क्वेश्चन है, बहुत सारे आपको इजी लगेंगे, बहुत सारे आपको चैलेंजिंग लगेंगे। तो पहले आपको जो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चैलेंजिंग लग रहा है ना आप उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ। बिकॉज एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है दैट आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आप देखेंगे आपको 20 20 अराउंड थोड़ा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, बाकी 80% विल बी डुएबल। तो क्या है ना, आपको आप देखेंगे जो क्वेश्चंस का लेवल आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है या फिर आपको उतना उस समय नहीं स्ट्राइक कर रहा है, आप उसको आगे बढ़ जाओ, आप अपने कंटेंट को आगे बढ़ाओ, आपको जो आ रहा है पहले वो सब सॉल्व करो। धीरे धीरे करके आप अपना जो अगर आपका 10 में 6 सही हो रहा है अभी तो आपको 10 में 7 करना है, फिर 8 करना है, ऐसे करके करना, ठीक है ना। एंड रेगुलर स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन में आपको 3 से 4 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप एक दिन में 2 से 3 घंटा या फिर 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको एफआरएम लेवल वन के लिए कोई भी टेंशन लेने का दरकार नहीं है, ठीक है ना। जो भी क्लासेस में कराया जा रहा है आप उसको एकदम अच्छे से करिए। और उसके अलावा हमारा जो एलएमएस है उस पर आप रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो इंस्टीट्यूट का जो रिसोर्स है, जो भी सारे रिसोर्सेज हमने आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किए हैं, उसको आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। आपको चारों बुक को समान भाव से लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आपका एफआरएम क्रैक होगा। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कोई दिन पढ़ रहे हैं कोई दिन नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग क्लास में भी बहुत बार नहीं आ रहे हैं, तो उस तरीके से तो आपका लेवल वन क्रैक नहीं होने वाला, ये चीज आप समझ लीजिए। आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको हर रोज पढ़ना पड़ेगा। आप हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, कोई दिन नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आधा घंटा रिवाइज कर लो लो 10 तो क्वेश्चन का एक बेसिकली प्रैक्टिस टेस्ट बना के खाली वो 10 क्वेश्चन कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, 10 क्वेश्चन ही कर लीजिए, लेकिन अच्छे से कर लीजिए। पॉइंट ये कि वो 10 क्वेश्चन को भी आप एकदम अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। जो आपका जो पहला जो बुक है विच इज फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आई एम मेकिंग इंटरक्टिव पीपीटी फॉर दैट, एंड वो मैं आपको दोबारा से पूरे एकदम अच्छे से करा दूंगा। एंड उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लगभग 10 चैप्टर है, एक चैप्टर में मैं स्पेंड करूंगा लगभग 2 घंटे का समय, मैं आपको पूरा एकदम अच्छे से वो पूरा करा दूंगा। तो आपको उससे रिलेटेड बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, लगभग 20 घंटे में हम लोग पूरा करिकुलम कर लेंगे उसका। एंड मैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी लगभग 20 घंटे निकालूंगा। तो जो पहला टॉपिक है उसको लेके आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्वांट्स जो है वो शिवांगी मैम बहुत अच्छे से करा रही है, जो हमारा एफएमपी वाला जो बुक है वो वंदिता मैम करा रही है, तो आपको उसमें भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एफएमपी में मैंने भी अपने डेरिवेटिव्स, एडवांस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के भी वीडियो डाले, तो वो आप देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। एंड यस, हमने आपके लिए एक एक्सेल का बूट कैंप कराया था जो एक्सेल इन फाइनेंस था, तो उससे भी आपको बहुत आइडिया लगेगा कि देखिए फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट ये 3 वर्ड्स को आपको लेके चलना है, राइट? तो बेसिकली जो फाइनेंस रिलेटेड आप जितना रीड करेंगे, आप जितना यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, आप जितना हमारा वीडियोस देखेंगे, बनाए कि सिर्फ
फिर मतलब आपको मतलब खाली आपको करने के लिए करा रहे, एग्जाम पास होने के लिए करा रहे। हम लोग का कंटेंट इसीलिए 250 घंटे का है कि मतलब उसमें आप जितना चीज एकदम अच्छे से सीख सके, डेप्थ में सीख सके। आप पूरा मटेरियल रीड करो, आपको जहां जहां प्रॉब्लम होगा आप मेरे को बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की दरकार नहीं, लेकिन आपको सिर्फ दिन में 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर FRM एग्जाम्स। 3 घंटा तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप उसमें आधा टाइम रीड करो, आप उसमें आधा टाइम प्रैक्टिस करो। आप एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में आपको रिटन नहीं आएगा, आपको MCQ आएंगे। तो MCQ आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप जितना MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना MCQ प्रैक्टिस कीजिए। आप हर रोज एक टारगेट बना लीजिए कि आने वाले 70 दिनों में मेरे को एक दिन में मिनिमम से मिनिमम 20 से 25 MCQ मेरे को करना ही है। तब जाके आप देखेंगे कि आप 70 दिन में मिनिमम 2000 MCQ सॉल्व कर लेंगे एंड आपका सारा लेवल्स पे क्वार्टाइल 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज का आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है, और ये सब चीज में बिल्कुल भी गलती नहीं करने की। ऐसा आप खाली प्लेन रीडिंग कर रहे हो, या फिर आप खाली MCQ सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप एक किताब पढ़ रहे हो एक नहीं पढ़ रहे हो, वैसा भी नहीं करना है। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स को एकदम पूरा समान भाव लेके चलना पड़ेगा। वो जो वेटेज है ना, 20% 20% 30% 30%, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। सारे को एकदम समान भाव से लेके चलेंगे तब जाके आपका FRM का लेवल 1 क्रैक होगा। और एक बात याद रखिएगा, लेवल 2 में बहुत बार क्या होता है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लेवल 1 से रिलेटेड होते हैं। तो लेवल 1 अगर आप अच्छे से क्रैक कर लेंगे तो लेवल 2 का भी आपका मोटा मोटी आप देखेंगे ना लगभग 15% के अराउंड का प्रिपरेशन आपका हो जाता है, राइट। तो लेवल 1 को एकदम अच्छे से पढ़िए, दिन में मिनिमम 3 घंटे का टारगेट बना लीजिए। आप 3 से 4 घंटे का टारगेट बनाएंगे तब जाके आपका 2 से 2.5 घंटे का कहीं ना कहीं जाके प्रिपरेशन रुकेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने कुछ एक पॉइंटर्स बनाए जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा अभी। तो बेसिकली आप जैसे आप कोई भी टॉपिक को स्किप मत करिए। जैसे मेरे जो पॉइंटर्स उसमें सबसे पहला टॉपिक है, आप कोई भी टॉपिक को ना स्किप मत करिए। ऐसा मत सोचिए कि ये या नहीं आएगा एग्जाम में, या फिर इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं, या फिर ये बहुत डिफिकल्ट है। आप जो टॉपिक छोड़ेंगे ना उसी से आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक टॉपिक, मान लीजिए क्वांट्स में आपके 15 टॉपिक है और 20 क्वेश्चन आएगा, तो हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो आएगा हो सकता है उससे 2-3-4 क्वेश्चन दे दे, तो वहां आप अपना मार्क्स लूज कर जाओगे, राइट। तो बेसिकली अभी आपको ये ध्यान, और आपको टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि भाई आपको एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है। आज जैसे मान लीजिए अगर आपका 2 घंटा 40 आपको सॉरी आपका 4 घंटे का एग्जाम है, उसमें आपको 100 MCQs करने हैं, तो 240 मिनट आपको टोटल में मिलेगा। 240 मिनट में 60 × 4, 240 मिनट में आपका टाइमर रुकेगा नहीं और आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो एक क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज आप देखो कि 2.5 मिनट से ज्यादा लग रहा है क्या। ऑब्वियस सब बात है, कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको 3-4 मिनट तक लगेगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे। तो आपको टाइम भी देखना है कि भाई आपको आप जब भी करोगे ना, तो आप 1 घंटे में ट्राई करो कि मेरे को 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप 1 घंटा दिन में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए निकालो। 1 घंटा तो आप मिनिमम क्वेश्चन सॉल्विंग करो, जो भी टॉपिक आपको पसंद है आप उसका 1 घंटा मिनिमम क्वेश्चन सॉल्विंग करो। उसमें आप 30 क्वेश्चन का बंडल बना लो। हमारे LMS का सबसे बहुत अच्छा फीचर है, आपको जो जो टॉपिक पसंद है आप उससे बंडल बना के आप क्वेश्चन सॉल्विंग करो। आप जब वो करेंगे ना तब जाके आपको लगेगा हाँ भाई आपका FRM का प्रिपरेशन आगे बढ़ रहा है। वो जो परसेंटेज है ना उसको आपको कहीं ना कहीं 70% पे लेके आना पड़ेगा। वो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा। पासिंग रेट्स बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर चीज बेस से पढ़ाई जा रही। तो आप लोग प्लीज ध्यान करके डेली पढ़िए, ठीक है ना। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के संग भी सेशंस रखेंगे, तो वो भी अपना गाइडेंस शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने FRM क्रैक किया लेवल 1 लेवल 2। तो उनसे भी आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप देंगे क्वांट्स को। उसके बाद में आप बेसिकली FMP करिए। FRM का जो बुक है वो मैं आपको एकदम पूरा एकदम अच्छे से रटा भी दूंगा, करा भी दूंगा, प्रैक्टिकली पूरी चीज समझा भी दूंगा और सारे क्वेश्चंस भी करा दूंगा। तो उसका आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। रहा बात वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स का, तो वो भी जैसा कि मैंने आपको बेस बहुत अच्छे से बना दिया है, अब उसी पे हम लोग बिल्डअप करेंगे। बेस बहुत जरूरी है, कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं ना तो बेस बहुत जरूरी है। तो हर टॉपिक का पहला 3-4 टॉपिक को ना बहुत अच्छे से पढ़िए, वो आपका बेस बनाएगा। लाइक हमारा जो लेक्चर है उसमें आप पहला 10 से 12 लेक्चर को एकदम बार बार देखिए, उससे क्या होगा आपको उस चीज में बेस बनेगा। तो बेस इंस्टीट्यूट को पसंद है, इंस्टीट्यूट को बेस पसंद है, बताया देखिएगा। तो बेस आपको ध्यान रखना है कि बेस से हर चीज पढ़िए, और जो भी चीज को आप पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके पढ़िए कि मेरे को ये भी। जैसे हम लोग ऑप्स्ट्रा का क्लास लेते हैं बहुत बार, हम लोग आपको रियल टाइम बेसिकली टर्मिनल दिखाते हैं। अभी हमने एक स्टॉक मार्केट का सेमिनार रखा था, तो ये सारे जो वर्कशॉप्स है ये सबसे आपका बहुत अच्छा एक अच्छा प्रैक्टिकल आइडिया बनेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सब के भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
सो बेसिकली कैलकुलेटर का हमने बहुत सारा वीडियोस डाला है, तो कैलकुलेटर का जो वीडियोस है वो भी आपको देखना है बार बार, ताकि कैलकुलेटर रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर को आपको अच्छे से चलाना आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एंड रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन में 1 घंटा सॉल्विंग एंड 2 घंटा मेरे को पढ़ना है, तो ये आप शेड्यूल बना के चलिए, एंड धीरे धीरे करके हम लोग और भी ऐसा बहुत सारा सेशंस रखेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी जैसे आपको बहुत सारा अलग अलग कोर्स है जिससे आपको मैनेज करना है, आपको टाइम अपना डिवाइड करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरे को FRM के लिए 3 घंटा देना है, और वो जो मैं दूसरा चीज कर रहा हूँ उसके लिए भी मेरे को 2 से 3 घंटे निकालने हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको 5 से 6 घंटे दिन में पढ़ने पड़ेंगे। आप ये समझ के चलिए अगर आप 4 घंटा पढ़ने बैठेंगे तो कहीं आपका 2.5 घंटा में जाकर इफेक्टिव स्टडी रुकता है। कोई भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, वो सबको अभी आप हटा दीजिए, क्योंकि अभी आपको फोकस है, आपका लक्ष्य है कि मुझे बस क्रैक करना है मेरा एग्जाम। और एक बात याद रखिएगा, अगर लेवल 1 अच्छे से क्रैक हो जाएगा ना, तो लेवल 2 में आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई अभी बस एक और लेवल है और मेरा एक सर्टिफिकेशन आ जाएगा। तो बेसिकली वो दिमाग से पढ़िए कि लेवल 1 में, मैं ये बोलता हूँ कि दोनों लेवल जो है, लेवल 1 और लेवल 2, मेरा ये मानना है कि लेवल 1 अगर किसी का क्रैक हो गया ना, तो मतलब वो ऑलरेडी 75% पार्ट कर चुका है। ये आप समझिए, जो कॉन्फिडेंस जो होता है, जो बूस्ट जो मिलता है, वो लेवल 1 से ही मिलता है एक स्टूडेंट को, ठीक है ना। फिर लेवल 2 आपको लेगा, हाँ बस अब तो ये करना ही है। लेवल 1 पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस दीजिएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये है, आपको टाइम मैनेजमेंट वाली बात बोली, ठीक है। तो बेसिकली ये सब बेसिक चीज है। आप थोड़ा सा हल्का ऑर्गेनाइज में पढ़िए ताकि आपका चारों बुक्स चलते रहे। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या, आप देखेंगे चारों बुक्स चल रहे हैं आपके, तो चारों बुक्स को आपको साइमल्टेनियसली मैनेज करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो रहा कि एक बुक खत्म होगा फिर दूसरा, नहीं, चारों को साइड बाय साइड लेके आपको चलाना है। और MCQ हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे होंगे ना जहां से कोई ट्रिकी MCQ जाएंगे, वो अगर आप पहले नहीं प्रैक्टिस किए होंगे तो आपका एग्जाम में भी नहीं बनेगा। एंड हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत सॉर्टेड है, तो बेसिकली आप MCQ ज्यादा करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अभी से मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज सारा लाइव क्लास करिए। अब जैसे क्या होगा, September 1st से या फिर नेक्स्ट वीक, हमारे क्लासेस के फ्रीक्वेंसी बढ़ दिन एवरेज समझ लीजिए 2 से 3 घंटा का क्लास होगा डेली बेसिस में, देखिए, ठीक है। तो दिस वाज अ शॉर्ट बेसिकली मोटिवेशन कम आपको डिसिप्लिन में पढ़ना पड़ेगा, आपको लेजर फोकस रखना पड़ेगा, डिविएट नहीं होना है, एंड ये चीज से डरना नहीं कि क्या अगर मैं फेल हो गया तो, नहीं होंगे आप फेल, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। लंबा सांस लीजिए और एकदम भी टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ अपना प्रिपरेशन पे ध्यान रखना है। प्रिपरेशन अगर सॉलिड होगा तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। अगर जहां 45 से 50% बच्चे पास हो रहे हैं, हर 2 में 1 बच्चा पास हो रहा है, तो उसमें डेफिनेटली आप भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपना 100% एफर्ट डालना है, दैट्स इट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड यस प्लीज डोंट मिस द लाइव क्लास। थैंक यू।